नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट आज हम बात करेंगे सनी देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं धनु राशि से निकलकर मकर राशि में 24 जनवरी 2020 को प्रवेश करेंगे और सनी देव अभी अस्थ हैं अब सनी देव अस्थ रहेंगे 30 जनवरी 2020 तक और अस्थ अवस्था में ही राशि परिवर्तन कर भगवान सूर्य के साथ आ चुके हैं पिता पुत्र एक साथ अब चूंकि अस्त अवस्था में हैं अभी लेकिन जैसे ही उदय होंगे तीस जनवरी दो हज़ार बीस को ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा जीवन को प्रभावित करने वाले ग्रह शनिदेव इनके उदय होते ही लगभग सभी के जीवन में उजाला आ जाएगा और सबसे पहली बात क्या है अगर आप चाहते हैं कि शनिदेव के इस परिवर्तन से आपके जीवन में शुभ फल मिले आपको तो ऐसे में आप दो तीन काम रोज करें पहला तो रोज शाम में शनिदेव के मंत्रों का जप करें ओम संग शनचराय नमः लोहे का छल्ला बाएं हाथ की मध्यमा उंगली यानी मिडिल फिंगर में शनिवार के दिन शाम में धारण करें जहाँ तक संभव हो मांस मदिरा का सेवन ना करें और अपने कमाए हुए पैसे से थोड़ा सा दान जरूर करें तुला राशि वालों आपकी ढैया शुरू हो रही है और इस ढैया यानी कि ढाई साल के अंदर शनिदेव आपके चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे अब तुला राशि वालों इस वर्ष आपको व्यापार में ढेर सारे अवसर मिलेंगे राजयोग बन रहा है सस नामक महापुरुष राजयोग अपना मकान भूमि भवन सुख देंगे शनि वाले क्षेत्रों में आप बहुत तरक्की करेंगे और सबसे बेहतर है कि वाहन का भी सुख मिल रहा है अगर आप भूमि से संबंधित कोई कार्य करते हैं कोयला माइनिंग डिपो या फिर पेट्रोलियम जैसी चीज़ों में तो आपको बहुत ही ज़्यादा धन लाभ होने के योग हैं लेकिन किसी भी तरह का ओवर कॉन्फिडेंस से या अहंकार से बचिएगा नहीं तो फिर नुकसान हो सकता है विदेश से लाभ होगा विदेश जाने अगर आप जॉब के लिए जाना चाहते हैं व्यवसाय करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है और लेकिन दूसरे की बातों में आकर कोई बड़ा इन्वेस्ट ना करें और साथ ही किसी भी वाद विवाद में पड़ने से बचिएगा आपके लिए वैसे हमने उपाय बताया उपाय कर सकते हैं उससे आपको लाभ होगा फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं हर हर महादेव धन्यवाद